नहीं नंबर 713 ने कुदाल मारकर बॉर्डर को जख्मी किया। क्यों रे? बदमाश बॉर्डर, इसको अंधेरी की कोठरी में डाल दो और इसका खाना बंद कर दो। जल्दी जल्दी चलाओ। क्या करते हो? काम करो, काम करो, काम करो। छोड़ दो इसे साहब, छोड़ दो। तुम लोग बाहर जाकर खड़े रहो। क्या करना चाहता था? जान से मारना था। क्यों? जिस दिन से मुझे यहां लाया गया है उसी दिन से गिड़गिड़ा रहा हूं, मुझे मेरे बच्चों से मिलने दीजिए। लेकिन आप है कि सुनते नहीं। नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो, मुझे उन
उनसे मिलना है, उन्हें देखना है। तो क्या मेरा खून करने से तुम अपने बच्चों को मिल सकोगे? न सही, जुदा करने वालों से बदला तो लेकर रहूंगा। लो वो कागज भी उठा लो। क्या मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे? सचमुच? हाँ, मैं भूल कर रहा था बाबूजी, आपका खून कर रहा था। आखिर जन्म कैसी कर ही क्या सकता है, खून करे खून करे, और एक दिन फांसी, तब छुटकारा। साहब, आपको सुप्रिंटेंडेंट साहब बुलाते हैं। अच्छा, मैं अभी आता हूं। वार्डन, इसे काम पर ले जाओ। और सुनो, इसने यहां जो हरकत की है उसके बारे में कोई रिपोर्ट ना। लेकिन साहब, ले जाओ इसे। आइए, ये आया है आईजी साहब का हुक्म। तुम नए लोग, नए विचार तुम्हारे, नया प्रयोग, नया तजुर्बा हासिल करना है तुम्हें। गुनाहगारों को कैद खाने से बाहर रखना चाहते हैं, उनको इंसान बनाना चाहते हैं। बनाओ। ताज्जुब है कि आईजी साहब ने भी कैसे माना। ये तो बच्चों का खेल है, गुनाहगार, कातिल, खूनी और आजाद, ये कैसे हो सकता है? कुछ भी करो, खूनी खूनी ही रहेगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूं, तुम इस प्रयोग में, इस तजुर्बे में नाकामयाब होगे। मैंने कबूल किया है ना कि अगर मैं नाकामयाब हुआ तो सरकार मेरी जायदाद जब्त कर सकती है, मुझे कैद कर सकती है, और मेरा जो चाहे सो कर सकती है। ठीक है, लिख दो ऐसा। बर्बादी होना है तो हो जाओ। घर है, घर में बूढ़ी मां है, सारी जिंदगी बाकी है, किसी का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हम जैसे बुजुर्गों के बाद तुम्हें नहीं चाहिए। जाओ, चुन लो अपने कातिल। नंबर 36, हीरू चौधरी, जन्म कैद, अपनी बीवी के सर पर पत्थर मारकर खून किया। चल चल। कैदी नंबर 78, तमन्ना बेलदार, सब्बल से अपने एक रिश्तेदार का खून किया। कैदी नंबर 123, गोसाई केशवगिरी, मठ की गद्दी के हक के सिलसिले में दो मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से मारकर दफना दिया। कैदी नंबर 212, दलिया नाई, इसने उस तरह से साहूकार का गला काट डाला। ले जाओ इसे। ए, चलो।
कैदी नंबर 326 शंकर पासी डकैत। हाँ डकैत। जमींदार का खून किया? हाँ किया। अरे तुम आ गए दोस्त, तुम तो कैद में नहीं, भगवान ने पंख जो दिए हैं तुम्हें। जाओ 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 जाओ। और मैंने कहा था मुझे कैदी नंबर 370 भी चाहिए। वाह बहुत अच्छा चुनाव है, सबके सब खूनी, 302 के मुजरिम, इन्हें जेल के बाहर ले जाएंगे आप। अब तुम लोग आजाद हो, मैं तुम्हें खुली दुनिया में ले जा रहा हूं। तुम सब अच्छे हो और इसका विश्वास मैंने अपनी जिम्मेदारी पर सरकार को दिया है। सजा की मुद्दत तक हमें एक बंजर जमीन पर जाकर रहना है। तुम्हारे इन 12 हाथों में फौलादी ताकत है, तुम्हें अपनी रोटी खुद अपने ही हाथों कमानी है। वहां तुम लोगों पर दहशत डालने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम में से एक ने भी किसी तरह का धोखा दिया तो सरकार मेरा सब कुछ जब्त करके मुझे मिटा देगी। किसी ने भी बुरा सलूक किया, कोई भाग गया, तो मेरे माथे पर नाकामयाबी का दाग लग जाएगा। मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। सरकार ने तुम 6 लोगों को मेरे हवाले नहीं किया, बल्कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी है। मुझे धोखा न देना। नहीं, नहीं। तो फिर चलो। तो बेचने खुद ही जाकर देखता हूँ कौन खरीदता है। तो उससे बेइंसाफी की भी कोई हद होती है। ये खाना रख दे। बेइंसाफी को या इंसाफ, यहाँ तो ऐसा ही है, पड़ता है तो बेच, दे तो जा। ज्यादा बकवास देकर बाजार के राजा तो बन बैठे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें भी कोई मिलेगा सवा से जो छट्टी का दूध याद दिलाने आएगा। चल चल जा, मालूम है। बड़े जोर की भूख लगी है ना? हाँ कच्चे। भूख लगी है, रात के खाने का इंतजाम ठिकाने पर किया है, खाने के वक्त तक हम वहां पहुंच जाएंगे। अरे वाह शेर, खूब रहा है, बड़ी भूख लगी हुई थी भाई को। अरे क्या शेर, ये लो। ये कहाँ से लाए? बाजार से जो आ रहे हैं हम लोग। चुरा कर लाए? मत खाओ,
क्यों? अच्छे आदमी बनने के लिए हम जा रहे हैं, हमें चोरी का अन्न नहीं खाना चाहिए। एक दो वो रोटी। एक दो। ये भी कोई आजादी है? ये कहो एक जेल से दूसरी जेल में ले जा रहे हो, मुंह का गौर छीनते हो। मैं नहीं फेंकूंगा रोटी। चला कहां? शंकर, फांसी पर चढ़ाना है जहां, ले चलो। चलो मैं तुम्हारा बहादुर। बहादुर, खाना तैयार है ना? जल्दी परोस, वो सब बहुत भूखे हैं। हाँ बाबूजी। अरे इधर कहाँ? जल्दी काम शुरू करेंगे। अब तो सोएंगे ही। बंद कर लो दरवाजा और लगा दो ताला। दरवाजा, कुंडी, ताला यहां कुछ नहीं है। ये आजाद नगर है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
उठो उठो, ये क्या है? रात को नींद नहीं आई बाबूजी। ऐसा मालूम होता था कि बदन जमीन पर ही नहीं है, और हल्का हल्का सा लगता था, जान पड़ता था रुई की बुढ़िया की तरह उड़ते जा रहे हैं। सो बांध लिया बदन पैरों में, बेड़ियां डालकर सोने की आदत हो गई है ना। अब बेड़ियां कैद खाना सब भूल जाओ, आज से हमें नया काम शुरू करना है। तुम लोग हाथ मुंह धोकर मेरी कोठी में आ जाओ। अरे कौन जा रहा है? बहादुर कहाँ भाग रहा है? मुझे नहीं रहना है बाबूजी, ये लोग मेरा भी खून कर देंगे एक दिन। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से डले, ताके हंसते हुए निकले गम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तुम जरा यही ठहरना, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। देखो मुझे तुम सबके नाम ठीक से याद नहीं रहे। क्या क्या नाम है तुम्हारे? ये क्या किया तुमने? मैंने तो तुम्हारे नाम पूछे थे। हम कहीं भाग जाए तो पता लगाने के लिए नाम चाहिए, उस वक्त नाम नहीं ये काम आएंगे आपके। तुम भाग जाओगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो तुम्हें आवाज देने के लिए नामों की जरूरत है। तुम्हारा नाम? 326। नंबर नहीं, नाम। शंकर। तमन्ना। दलिया। हेलो किशन। तुम्हारा? केशव गिरी कहते थे शायद। अच्छा चलो।
ये रही अपनी कर्म भूमि। इस वीराने को हम जोतेंगे, बोएंगे। जेल की रोटी लाचारी की थी, ये रोटी शान की होगी। हम अपना पसीना बहाकर जिंदा अनाज पेट भर खाएंगे। राम का नाम लो और शुरू करो। बोलो एक राम। बोलो एक राम। एक राम। दो राम। तीन राम। चार राम। पांच राम। छह राम। और मैं सात राम। चलो तमन्ना क्या खोद डालिए कौन। ये रही सफल। यहां से वहां तक एक बांध बना दो। पत्थरों की यहां कमी नहीं है। केशवगिरी ये झाड़ियां साफ कर दो। शंकर शंकर इस जमीन के नीचे दौलत है। बाड़ को ठीक करो। दलिया हुजूर साफ कर दो ये घास। जेल में सलाखें थी, यहां कांटेदार तारे हैं। किशन जाओ तुम दलिया का हाथ बटाओ। कुल्हाड़ ला दे इधर। Thank you.
घंटी बजती है। बजने दो। ओ बजने क्या दो, थाने के बुलावे की घंटी है। थाने के बुलावे की घंटी। ठहरो, खाना शुरू करने से पहले मालिक की प्रार्थना कर ले। हाथ जोड़ो। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी पे टले, ताके धंधे हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। लात मार करके कमर तोड़ देनी चाहिए उस कमर। क्यों क्यों क्या खा कर देखो, मालूम होता है खाना गुड़ में पकाया है। मिर्ची का तो पता ही नहीं। अरे ऐसा झापड़ दूंगा उस रसोईया के बच्चे को कि देर हो। वो चला गया। चला गया तो फिर रसोई किसने बनाई? मैंने। जाने दो, हम सोएंगे, ये जेल थोड़ा ही है। ए? अरे क्या है?
लौट जाओ। जेल से और बढ़ गई सख्ती, सख्त मजदूरी, सख्त मजदूरी। देखते क्या हो आंखें फाड़ के।
मुझे पल्ला पकड़ते हो मेरा। दलिया मुझे स्टेशन जाना होगा। स्टेशन? और इस हालत में हुजूर? मतलब? जरा ठहरिए। तस्वीर हुजूर की आईने में है, जरा गर्दन झुकाइए, देख लीजिए। अगर हुजूर की दाढ़ी इसी तरह बढ़ती रही तो अच्छा भला गुस्सा ही दिखने लगूंगा। भला ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हुजूर ने ठीक फरमाया। रहने दे। फिर गुस्ताखी माफ। कहना तो नहीं चाहिए, आपके लिए ठीक है, लेकिन मुझ नालायक की भी तो कोई इज्जत आबरू है। बस्ती पर मुझ जैसा कारीगर हुनरमंद हज्जाम मौजूद होते हुए आपकी दाढ़ी इतनी बड़े नहीं सरकार। अब तो मैं हर हफ्ते हुजूर की सेवा में हाजिर हुआ करूंगा। आइए तशरीफ रखिए। अच्छा चलो आइए सर। इस फिरंगी कुर्सी पर नहीं सरकार। अपना तो तरीका बिल्कुल हिंदुस्तानी है, सदियों से खानदानी हज्जाम जमीन ही पर बैठ कर अपने हुनर को चार चांद लगाते आए हैं। आइए सरकार तस्वीर रखिए। बंबई दिल्ली का वरायटी ढंग अपने को मंजूर नहीं सरकार। वो सनो, वो पाउडर, वो मुंह पर उड़ाने वाला क्या फुसफुस, छे आगे आईना पीछे आईना, सौर के सवा सौ सर नजर आते हैं। लाहौल बड़ा खुवत। अरे किशन, बाबूजी आ गए, तुम्हें कोठरी में बुला रहे हैं। चल चल जल्दी कर। गोविंद खूब भाग। नहीं नहीं छोड़ो मुझे। अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं बाबू हूँ तेरा, गोपाल। माँ ये बोलने लगा है ना। बोलता है माँ माँ कहता। अब इनकी माँ कहाँ से आएगी, वो तो गई भगवान के घर। माँ तुम इन बच्चों को कैसे संभालती होगी? माँ कैसे संभालती, क्या संभालती, अब तो थक गई होगी। आंखें तो बस नाम की रह गई है, रूखी सूखी खाकर जीते हैं किसी तरह। दो चार घर जाती हूँ, बर्तन वालती हूँ। माँ मारो बेटा, मैंने तुझे देखा, सब कुछ पा गई। ले खींच लाई हूं मैं तेरे लिए। अरे गोविंद गोपाल तुम खा लो, खाओ खाओ, मुझसे डरते क्यों? बच्चों का क्या होगा माँ? अंधे की गइयों का रखवाला भगवान होता है बेटा, जो है सो ठीक। तुझे तेरे बच्चे मिल गए, मुझे मेरा बच्चा मिल गया। बेटा ये तो बता कि तू घर कब वापस चलेगा? अभी देर है माँ, बहुत देर। तब तक तुम्हें जिंदा ना रहूं। आओ जे लड़का लो ये चीज, हम देहाती गरीब तुम्हें और क्या देंगे। हाँ माँ को बेटे से मिला दिया, भगवान तुम्हारी उम्र बड़ी कर।
बेटा जाती हूँ। आओ बच्चों। माँ अगर ये बच्चे यहाँ रहते तो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। बाप जो जेल में है गांव वाले इन बच्चों को अपने जूतों के पाट के नहीं फटकने देते। खूनी की औलाद कह के उंगलियां उठाते हैं। मेरे बच्चे को यहां रहने दीजिए, मैं देखभाल करूंगा इनकी। बेटा मजबूर का मन तुमने जाना, भगवान करे मेरी रही सही उम्र तुमको लग जाए। किशन ओ किशन ठहरो, माँ जी अंधेर हो जाएगा, मैं तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा दूं। नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं, मैंने तो सारी उम्र अंधेरे में काटी है। अरे अच्छा हुआ ये खिलौने वाले आ गए। ए खिलौने वाली क्या है? तुम स्टेशन की तरफ जाया करती हो ना रोज? हाँ क्यों? माँ जी को स्टेशन जाना है, नजर कमजोर है इनकी, जरा पहुंचा दोगी? आओ माई जी आओ। जाओ पहले बच्चों को कुछ खिलाओ। अब तो किशन का दौलत खाना यहीं आबाद हुआ है। आप जाते आए हैं ना? अरे तो क्या हमारे बाल बच्चे नहीं? अरे क्यों नहीं भाई, मगर ऐसा लगता है कि बाबूजी सिर्फ किशन पर ही मेहरबान है। कहाँ चले और तुम्हारा बाप किधर है? आओ। अरे आओ रहे थे और तू क्या कर रहा था? क्यों रे? उस दिन तेरी बूढ़ी माँ ने कहा था
इन बच्चों का जरा हाल चाल लेती रहना, इसलिए मैं इन्हें वापस ले आई हूँ। ये तू नहीं बजा सकेगा, ठहर मैं बजाती हूँ। अच्छा, अरे हाँ, मुझे एक अच्छा गाना याद आ गया, ठहरो मैं सुनाती हूँ। आओ आओ हो निहारो प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक धुम धुम 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 ¿Qué?
हंसते क्यों हो कलमो? क्या कोई नौटंकी है सामने? हटो एक तरफ, नहीं तो दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी एक एक के। बेशरम। कितना है हौज में? क्यों तुम मरस अभी चुल्लू भर पानी में? अबे क्या हुआ? कोठरी में जाकर देखो। क्या देखें? जनाब किशन साहब उधर कुल छर्रे उड़ा रहे हैं। शहजादे बेगम साहिबा। उसकी बेगम? हाँ हाँ, वो खिलौने वाली छैल छबीली चंपा कली। मिठाई लेकर आई है शहजादों के लिए। बाबूजी ने किशन के बच्चों को यहाँ लाकर रखा है तो फिर हमने कौन सा गुनाह किया है? जैसा हमने किया है वैसा किशन ने भी खून किया है, तो फिर हमारे बीवी बच्चों को यहाँ लाने में क्या हर्ज है? चलो बाबूजी से चलकर पूछें, डर क्या है? चलो चलो। क्यों, क्या बात है? कहो, साफ साफ कहो। हुजूर, ये सब कहते हैं कि... क्या कहते हैं? कहना क्या है, हमारे बाल बच्चों को भी यहां लाया जाए जैसे किशन के लाए हैं। किशन के बच्चे तो बेसहारा हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए उन्हें यहां लाया गया। जाओ, शाम हो गई, खाने की तैयारी हुई होगी। जाओ। शोर हो रहा है, हम बुलाएंगे यहां अपने बाल बच्चों को। यह हो नहीं सकता, मौज उड़ाने के लिए तुम्हें यहां नहीं लाया गया। तुम लोगों के शौक नहीं पूरे करने हैं मुझे। तो एक को सूखी एक को चुपड़ी, ये किस लिए? सीधी तरह हमारे बीवी बच्चों को यहां लाओ। बस ये नामुमकिन है।
तब हम खुद ही जाएंगे उनके पास, देखते हैं कौन रोकता है हमें। हाथों पैरों की ताकत चली जाती है, उसकी नजर तो बस कैद खाना ही है। कैद खाना तोड़ा जा सकता है मगर बाबूजी की ये आंखें। जान निकल गई तो आंखें भी गायब, मरे हुए की आंखें तनी या बन क्या फर्क। हाँ, उनकी जान लेकर ही भाग जाएंगे, फिर कौन करेगा रिपोर्ट। पता लगते लगते 8 दिन निकल जाएंगे, मगर ये कैसे होगा। दलिया जो है, दलिया कल सुबह मिला है ना अपनी दुल्हन से। समझा कि तुम लोग गुस्से में हो, आज मेरी दाढ़ी नहीं बनेगी। अरे दलिया, ऐसी खास तो बड़ी नहीं, रहने दे आज। मायूस हो गए? अगर साबुन की दाढ़ी बनाएगा से रह गई था। कैसा हुनरमंद है तू, चल जल्दी कर साफ कर यहां के बाल।
आपके गले पर नहीं चलेगा। क्या कहता है? मैं आपका कत्ल करने वाला था, गला काटने वाला था। मेरा गला काटने वाला था? मैं इनको इंसान बनाने चला था। मेरा ही कत्ल सब भाग गए। भाग गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांच कैदी आज यकायक भाग गए। बहुत तलाश किया लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। जल्दी पुलिस का दस्ता भिजवा दीजिए, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। हाथ से निकल जाएंगे? अच्छे वक्त पर आए, अंदर भी जिला पुलिस पार्टी आई है। टीकम जाओ, जल्दी पुलिस ऑफिसर को बुलाओ। राधिनाथ, इस पर लिख दीजिए। क्या? कि आपका तजुर्बा, वो महान प्रयोग नाकामयाब रहा। माय एक्सपेरिमेंट इज अ ग्रैंड फेलियर। नहीं नहीं, मेरा तजुर्बा नाकामयाब नहीं हुआ, शायद मैं नाकामयाब हुआ हूं। मेरी गलती हुई होगी लेकिन मेरा रास्ता गलत नहीं। मेरा तजुर्बा नाकामयाब नहीं हुआ, हरगिज नहीं हुआ। देखो, आजाद नगर का कैदी भाग गए हैं, आसपास ही कई होंगे उधर। मैं डीएसपी साहब को फोन किए देता हूं, तुम फौरन चले जाओ। पूरी रफ्तार से मोटर चलाओ, खूनी है वह सब, उन्हें गिरफ्तार करो। अगर मुकाबला करें तो वही के वही गोली मार दो। गोली? बहुत अच्छा साहब। मेहरबानी करके उन पर गोली न चलाइए, सिर्फ गिरफ्तार कर लीजिए। उनको जान से मारने की सजा क्यों? अगर आज वो इस कैद खाने की चार दीवारें में होते तो न भागते। मैं उन्हें खुली जगह पर ले गया, गलती मेरी है, मुझे सजा दीजिए। लेकिन उन पर गोली न चलाइए, हुक्म वापस ले लीजिए। तो फिर लिख दीजिए कि आपका तजुर्बा नाकामयाब हुआ, मैं हुक्म वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा लिखकर नहीं दे सकता। नहीं नहीं, उन पर गोली चलाने का हुक्म वापस ले लीजिए, उनकी जाने मत लीजिए।
تجربہ. ناکامیاب ہوا. ٹھیک ہے. That's right. جمالات ان پر گولی مت چلانا, صرف انہیں پکڑ کر لانا. جی حضور. میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں. مسٹر آدینات وارڈر, انہیں کوٹھے میں لے جاؤ. کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میں اور ان قیدیوں میں پہلے سے کوئی سازش ہو, ان کو آسانی سے بھاگ جانے کا موقع ملے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی لیے آپ نے یہ آزاد نگر کا ناٹک رچا ہوگا؟ سپرنٹینڈنٹ صاحب, ان سب باتوں کی پوری جانچ ہونے تک میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ وارڈر کے ساتھ جائیے. سپرنٹینڈنٹ صاحب آپ کو بلاتے ہیں. نہیں ملے وہ سب؟ مل گئے. مل گئے؟ جی ہاں. کہاں وہ؟ آزاد نگر میں. لیکن وہ تو بھاگ گئے تھے. نہیں, ایسا تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا. وہ تو وہیں اپنے اپنے کام میں مشغول تھے. کام میں مشغول تھے, بھاگے نہیں, وہی ہیں. اچھا ہٹتے کیوں ہو؟ آج نہیں تو کل تمہیں لکھنا ہی پڑے گا. ایسا وقت نہیں آئے گا, اور اگر آ گیا تو میں کسی کو اپنا منہ تک نہیں دکھاؤں گا.
बाबूजी, बोलना नहीं है हमसे क्या? बाबूजी, बच्चों की गलतियां मां अपने पेट में नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? सिर्फ इधर देखिए बाबूजी। तुम लोग अपने घर गए थे ना? नहीं बाबूजी, घर छोड़कर भागे थे। तो फिर वापस क्यों आ गए? आप ही हमें वापस ले आए बाबूजी। शक्कर की खाट डालो, करेला कड़वा सो कड़वा। आपने हमें बाप का प्यार दिया और हम आप ही की जान लेने पर तुले। बाप की गठरी सर पर रखकर हम यहां से भागे थे। आपकी नजर बचाकर भागे तो सही, लेकिन आपकी नजर में जो भगवान है उसे हम कैसे धोखा देते? दौड़ते दौड़ते हम एक वीरान जगह पर चले गए। सामने एक छोटा सा मंदिर था। उसमें ठाकुर जी की मूर्ति, उनकी तेज भरी बड़ी बड़ी आंखें। वो आपकी आंखें थी, आप ही की आंखें भगवान के चेहरे पर लगी थी। हमारे पैर कांपने लगे और आप ही आप लौट आए। पैरों ने जिस्म के बोझ यहां लापट के हम वापस आ गए। बाबूजी, ये लीजिए और मारिए हमको। खूब मारो, पी दो, फांसी दे दो, पैरों तले रोन डालो, हम इसी के लायक है। जो चाहे सजा दे, लेकिन इस तरह खामोश न रहिए बाबूजी। जी चाहे जितना मारिए पीटिए, मुंह से खून निकलेगा, लेकिन उस नहीं निकलेगी। बाबूजी, तुम सब इतने अच्छे भले होते हुए क्यों ऐसा पागलपन करते हो? उठो, जाओ, काम पर लग जाओ। बाबूजी, आप चलिए हमारे साथ, आपकी आंखों बिना हमें रास्ता नहीं दिखेगा। हम अंधे हैं, अंधे हैं हम। याद आई और तुम लोग बाबूजी की जान लेने पर तुल गए। ये बला यहां से डल जाए तब तुम लोग सीधी तरह से यहां रहोगे। अरे तुम अभी यही हो, जैसे हो गए नहीं। कहां जाओ? शमशान में मर जाओ कहीं भी, लेकिन यहां मत ठहरो। जाओ, जाता है कि नहीं? इन नन्नों को मारता है इंसान है ये शैतान। चलो रे बच्चों, घर चलो, देखे कौन रोकता है तुम्हें। कहे देता हूं दलिया, मैंने संभालने का नहीं, हम संभालेंगे। छोड़, छोड़ इन्हें। बाबूजी, देखिए ये इन्हें निकाल रहा है। हम नहीं कहेंगे कि हमारे बीवी बच्चों को बुलाओ, हम उनकी याद भी नहीं करेंगे। यहां रहने दीजिए बाबूजी।
तुम यही रहोगे। अच्छा अब पापा दोगे? नहीं 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 हम जरूर लेगा। लंबी है हो ठहर मैं पता लगाती हूं किस दाढ़ी का है ये बाल। मिल गया चोर। ए इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रखी है जंगली घास जैसी? गोपाल इधर आ इधर आ, खींच ले इसकी दाढ़ी बिल्कुल जड़ से उखाड़ी हो। अरे मैया अगर क्या बाधा, ये साल बराबर वक्त पर शुरू हुई है। वो देखो उस पहाड़ी पर बारिश शुरू हो गई। अब थोड़ी देर में इधर भी होगी। अच्छा हुआ अब खेतों की बुआई ठीक तरह से हो जाएगी, खूब पैदावार होगी। चलो शुरू करें काम। एक राम दो राम तीन राम चार राम पांच राम छह राम सात राम। घुमड़ कर आई रे खटा, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, हर घर बदला की छाई छाई रे खटा, सन सन पवन खाल अगर तीर बादल को चीर निकला नीर निकला झर 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 धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा। हो उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, हर घर बदला की छाई छाई रे छटा, हर धन पवन खाल अगर तीर बादल को चीर निकला नीर निकला नीर, झर 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 हम धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा। चमक 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 च
मड़क मड़क कर आई रे कटा अरे कर बदला की छाई छाई रे कटा चल चल न पवन काल नर तीर पाथर तीर निकलाल नीर निकलाल नीर चल 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 हम धार चले ओ धरती जल से मांग भले ओ मड़क मड़क कर आई रे कटा जी, आप सब्जी तरकारी बेचने जाएंगे और खुद जाकर बैठेंगे मंडी में? हाँ, क्यों? अच्छा नहीं दिखेगा ये। फिर कौन जाएगा? हुजूर, हम ही मंडी जाएं तो? तुम जाओगे मंडी में? अब भी भरोसा नहीं हम लोगों पर? ठहरो, तुम जाओ मंडी सब्जी बेचने, सब मिलकर जाओ। लेकिन सब्जी बेचोगे किस भाव? जो भाव बाजार में होगा। नहीं, हमें बहुत ज्यादा नफा नहीं चाहिए, सिर्फ पेट भर मिल जाए काफी है। ठहरो, मैं भाव लिख देता हूं। बाजार सब्जी बेचने। ए, उतरो नीचे, उतरो। क्यों? हाजी, इनकी ये शक्ल सूरत देखकर बाजार में रहेगा भी कोई भाजी लेने वाला? उल्टे पाव भागेंगे सब सरपट। पहले इनकी ये मुंह पर की खास तो साफ करो। अरे हाँ, दलिया बना डालो सबकी दाढ़ियाँ। अब तुम किसान बने हो, गांव वालों की तरह तुम्हें रहना चाहिए। और देखो, वो जो नए कपड़े लाए हैं वो भी पहन कर आओ। चंपा, रस्सी संभाल, हम अभी आए 10 मिनट। मैं अचानक आ गया ना, सोचा देख कर आऊं कि आपका अजीब और गरीब तजुर्बा किस तरह तरक्की कर रहा है। कामयाब हो रहा है। हो रहा है, हुआ नहीं? तब तो होंठ और पैरे में बहुत फासला है। अब वो फासला नहीं रहा, आइए आप खुद ही देखिए। ये
ये लड़की कौन है? खिलौने वाली, कभी कभी बच्चों को खिलौने दे जाती है। आपको मालूम है पहले यहाँ उजाड़ था, अब देखिए कैसी हरियाली छाई है। हाँ काम बहुत हुआ है। ये कुआं कैदियों ने खोदा है, पानी भरपूर आने लगा है। पत्थरों में पानी निकला लेकिन कैदियों में इंसानियत नजर आई क्या? आप खुद ही मुलाहिजा फरमाइए। चलिए कहाँ है सब? आते ही होंगे अभी। आज पहली बार सब्जी बाजार भेज रहा हूँ, पड़ोस के गांव हर शनिवार को बाजार भरता है, वो ही जा रहे हैं सब्जी बेचने। कैदियों को गांव में बाजार भेज रहे हैं? यहाँ खुली जगह में जो बिना हरकत के रह सकते हैं उन्हें बाजार भेजने में क्या हर्ज है? ठीक है लेकिन याद रहे। अरे वाह, ये तो कोई भी पहचाना नहीं जाता। और केशवगिरी कहाँ है? वो आया हूँ। मुझे भी साफ। हम लोगों में रिवाज है रखना तो दाढ़ी मूछ दोनों, नहीं तो सब चट। क्या अच्छे लगते हो, अब लहंगा ओढ़ने ला के देती हूँ तुम्हें। चाहिए थी पांच पांडवों में एक द्रुपदी। गुस्ताखी माफ हो, हम लोगों को चिल्लाना नहीं चाहिए था। ठीक है ठीक है। अच्छा मिस्टर राजनाथ मैं चलता हूँ, यूं ही देखने चला आया था। बाबूजी तुम खुद दो। एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, पांच राम, छह राम और सात राम। सात राम? जी हाँ। किशन जी, ये लो कागज, इस पर सब्जियों के भाव लिखे हैं। और सुनो, सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना चाहिए सबको। आप बेफिक्र रहिए बाबूजी, उधर सूरज अपनी अटरिया, इधर हम अपनी कोठरिया। हाँ चलो तुमन्ना। तुम्हें भी तो जाना है ननिहालगंज, जाओ इनके साथ। नहीं आज मुझे जाना है दूसरी तरफ पेरगांव। हाँ ठीक है उतारो। सब्जी 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 सब्जी। कौन लोगो तुम? हम अपनी धरती के बेटे। इतनी सस्ती बेचते हो बाजी? सस्ती पड़ती है तो बेचते हैं। बाजार को खत्म करना है क्या? बाजार कैसे खत्म होता है रे? हम लोगों को सस्ता मिलता है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? इस तरह खुदा कर भाजी कोई नहीं बेचेगा इस बाजार में। पहले नत्थू भाई खरीदते हैं, फिर बाद में वही भाव ठहराते हैं। तुम्हारे नत्थू भाई को सब कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है इंडियन पिनल कोड में। अबे जा गाड़ी हटा के ले जाओ यहाँ से, नहीं तो। नहीं तो क्या करेगा? उछलवा देंगे सब माल तुम्हारा पैरों तले। उछलवा के तो देख, पैर तो पैर, हाथ लगा के देख, हाथ लगा के। छोटू हट जा एक तरफ से। क्या हुआ? जा छोटू दुकान पर जाके बैठ। क्या हुआ जी?
कहता है सस्ती सब्जी मत बेचो। हमें नहीं चाहिए ज्यादा नफा। हमारे बाबूजी ने कहा है गुजर भर को मिल जाए काफी है। बाबूजी? कौन बाबूजी? आजाद नगर के बाबूजी। ओ, तो ये वहाँ की सब्जी है? होने लगी निकासी वहाँ? वाह, माल तो नंबर एक का निकाला है तुम लोगों ने। तो फिर इतना ताव क्यों खाते हैं जनाब? अपना दोनों का धंधा तो एक ही है, घर चलिए। नहीं नहीं, सब माल बेचकर सूरज डूबने से पहले हमें वापस पहुंचना है। अरे, सूरज डूबने के बाद जाओगे तो क्या हो जाएगा? जी हाँ जनाब, किसी एक ने भी अगर नाजायज हरकत की तो सरकार आला बाबूजी की गर्दन पर सवार हो जाएगी, ऐसी तहरीर लिख कर दी है उन्होंने। नहीं नहीं, सूरज डूबने से पहले हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो जिम्मेदारी मेरी। माल बेचकर आ जाओ मेरे घर, सिर्फ चाय पानी के लिए, और फिर चले जाना शौक से। क्या हुआ? तुम्हें दर्द होता है? अभी बापू आएगा। आ गया, अच्छा हो गया। छोटे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, जरा देखो तो। उस दिन आपका बाल निकाल दिया तो क्या मुझे पेट के रोग का भी पता चल जाएगा मुझे? अच्छा देखती हूँ। अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? देखे, वापस नहीं आए बराती अभी तक? आते ही होंगे।
अरे कितनी देर कर दी तुम लोगों ने। यहां तो कोई है ही नहीं, फिर कहां गए होंगे। अब मुझे नहरगंज जाना होगा। तुम सब शराब पीकर आए हो तो क्या हुआ? हमने चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, बस थोड़ी सी पी है। इतना गुस्सा न करो बाबू, आप मजा करें। शराब पीना नहीं जानता। अरे ये क्या जाने शराब क्या है? शराब जिंदगी है, और जिंदगी की जवान। जान लेने आए हो? शंकर, तुझे गोली चलानी आती है ना? इसमें और 6 गोलियां बाकी हैं, चला मुझ पर गोली। अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरी जिंदगी बेकार हो गई,
मैंने सुबह ही सुपरिंटेंडेंट साहब से कहा था कि ये सब सुधर गए हैं, इंसान हो गए हैं, लेकिन मैं इनको बिल्कुल सुधार न सका। मैं नाकामयाब रहा, पूरी तरह से नाकामयाब। इस नाकामयाबी को लेकर मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता, हरगिज मुंह नहीं दिखा सकता। शंकर चला बोली, शंकर फेंक दे पिस्तौल। आदमी है या जानवर, जिसने तुम्हें बाप की तरह संभाला, माँ की ममता दी, तुम्हारे हजारों अपराध सहन किए, तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उसी पर गोली चलाते हो? फेंक दो कुदाल फावड़ा। बैठ जाओ। आओ मेरे लाल, आओ, चलो अब तुम सो जाओ, चलो आओ। चुप हो जाओ, बैठ बैठ बैठ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो अब मैं तुम्हें सुलाती हूँ। देखो धरती माता भी सबको सुलाने लगी है।
से बड़ी गलती। वाह, रात को मेरे साथ बेशर्मों की तरह बर्ताव किया और अब सुबह आए हैं गर्दन झुकाकर गलती कबूल करने। ये बड़ा अच्छा तरीका है तुम्हारा, रात को भेड़िया दिन को भेड़। सचमुच कल हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ करो। तुम न होती तो गजब हो जाता। बेवता की तरह बाबूजी हम उन्हें पहले ये तो बताओ, कल तुम लोगों ने दारू कहाँ से पी? व्यय में क्या करते हैं बोलो ना। बाबूजी ये पैसे। कैसे पैसे? कल उन्होंने जो सब्जी बेची उसके। फिर उन्होंने दारू कहाँ से पी? पी नहीं, पिलाई उस सब्जी वाले दलाल ने। बड़ा नीचे है वो, वो नहीं चाहता कि मंडी में कोई दूसरा सब्जी बेचे। बाबूजी तुम्हारे लोग खुद पीने की हिम्मत नहीं करेंगे, तुम्हारी आंखों की धाग जो बैठी है उन पर। तो कल दारू की नशे में पागल हो गए थे वो सब। आदमी नशे में हो तो आप इससे बाहर हो जाता है। तुम भी नशे में अपने सीने पर गोली चलाने को कहते थे। मुझे कैसा नशा? गुस्से का नशा दारू से भी बुरा होता है। तुम्हारे ये कैदी अच्छी तरह से सुधर गए हैं, अब वो इंसान बन गए हैं। कैसे? कल रात नशे में वो मेरी इज्जत लूटने पर तुले हुए थे, लेकिन सुबह होश में आते ही उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। सच? कहाँ है वो? तुम्हें मुंह दिखाने में शर्म लगती है उन्हें। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा, फिर सचमुच वो इंसान बन गए। चंपा कह दो उन्हें काम शुरू करें, मैंने उन्हें माफ किया। कौन हो तुम? मैं नथु भाई, सब्जी मंडी का दलाल। यहाँ कैसे पधारे? यूं ही सोचा कि आपकी जान पहचान कर लूं और हो सके तो आपके यहाँ का माल भी खरीद लूं। हम तुम्हें माल बेचना नहीं चाहते। क्यों? तुम लोग ग्राहक को भी लूटते हो और किसानों को भी। तो आप अपना माल खुद ही बेचेंगे कल की तरह? जी हाँ, मेरे सिवाय कोई व्यापारी नहीं टिका आज तक उस बाजार में। हम टिकेंगे। किसके बूते पर?
उन खूनी कैदियों के बूते पर? उन्होंने तो एक ही इंसान का खून किया होगा, लेकिन तुम लोग तमाम इंसानियत के खूनी हो। जबान संभाल कर बोलिए जनाब। ए हीरो, ठीक है ठीक है, आने दो अगले हफ्ते इन लोगों को बाजार में भाजी बेचने। क्या कर लेगा? दलिया आओ, बाजार में आओ, फिर बताऊंगा। ए, 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 क्या करता है शंकर? दलिया हीरो छोड़ दो। लाए गाड़ी, इधर ला चाबुक, मैं बाजार होकर आता हूं। तो फिर हम सब किस लिए हैं? आज तुम्हारा वहां जाना जरा खतरनाक है। क्यों? वो दलाल तुमसे झगड़ा करेगा। हम डरते हैं क्या उसके बाप से? जब तक भौंकेगा तब तक चुप रहेंगे, काटने आएगा तो पत्थर से खबर लेंगे। यही तो होना नहीं चाहिए। बाबूजी जाने दो मुझे, वो दलाल कुछ ना कुछ शरारत करेगा, तुम मारपीट करोगे। एक तो पहले ही जुर्म का दाग तुम लोगों पर लगा हुआ है, और फिर कुछ हुआ तो वो सारा मामला तुम्हारे ही सिर पर आएगा। नहीं नहीं, अभी तक जो कुछ हासिल किया है वो फजूल जाएगा, जाने दो मुझे। हम मारपीट नहीं करेंगे बाबूजी। वो दलाल तुम्हें मजबूर कर देगा। तो भी हम नहीं करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। हम उस दिन पीकर आए थे इसीलिए ना? नहीं बाबूजी, उस दिन तो उस हरामखोर ने हमें धोखे से पिलाई, लेकिन आज नहीं होगा वैसा। नहीं मैं ही जाऊंगा। बाबूजी आप बच जाइए, वो दलाल आपके ऊपर भी हाथ उठाएगा। उठाने दो, मैं बर्दाश्त करूंगा। तो फिर हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? मुश्किल है वो तुम्हारे लिए। सचमुच हम बर्दाश्त कर लेंगे, आपकी कसम बाबूजी, हम बिल्कुल दंगा फसाद नहीं करेंगे। बाबूजी आपकी कसम, हमें कोई मारेगा तो भी हम चुपचाप सहन कर लेंगे। लेकिन उस वक्त तुम अपनी ये कसम भूलोगे तो नहीं? कभी नहीं बाबूजी, आपने हमें ये नई जिंदगी दी और हम आपकी झूठी कसम खाएंगे। ठीक है। जाओ। देखो मैं तुम्हारा यहां इंतजार करता रहूंगा। शायद हमारी आखिरी कसौटी है, अगर इस पर न उतरे तो मेरा प्रयोग, ये तजुर्बा हमेशा के लिए नाकामयाब साबित होगा। जब जुल्मों का हो सामना तब तू भी हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की वो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे पैर का ये भरम, नेकी पर चले और बगी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। क्या हुआ? कम से कम 500 जानवरों का इंतजाम किया है, शाम तक पहुंच जाएंगे यहाँ। और वो आदमी? आदमी वो देखो आ ही गए।
देखो लो शंकर ना जाबो नहीं कसम खाई हमने बाबूजी की कसम बाबूजी की कसम क्या हुआ अरे उन खून कैदियों ने भरे बाजार में मारपीट मचा रखी है बाबूजी की कसम हाय ए अरे हाय रुको रुक जा अरे रुक जा सुनता नहीं क्या क्यों वो बेहोश है इसलिए बढ़ गया जोश तुम्हारा ए लड़के अरे जा ए लड़की हट जा यहाँ अरे बाजार में मुझे छू के तो देख क्या करेगी क्या करेगी बताओ क्या करेगी क्या करेगी अरे 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 और ना हाथ उठाता है खड़े रहो और जैसे वो आए सलाम करना एक राम दो राम तीन चार पांच छह सात राम करतूत भरे बाजार में मारा इनको इनको मारा और इन्होंने बाबूजी कसम बाबूजी की कसम ऊपर से लाठियां बरस रही थी लेकिन एक खामोश सहन करते रहे अच्छा हुआ मैं बखत पर पहुंच गई न जाने इन्होंने कैसे बर्दाश्त किया शाबाश मेरे बहादुरों शाबाश आज तुम अपनी कसौटी पर पूरे पूरे उतरे शाबाश शाबाश बाबूजी मैं अभी जाकर आती हूँ थाने पर पुलिस को खबर देने तुम यही ठहरो मैं दवाई का बक्स लेकर आता हूँ डालेंगे
तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। आप पहले ये इनाम लीजिए। क्यों? वो सब बाद में पता चल जाएगा। चलो बाबूजी। बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे। ऐसा हुआ और उधर सरकार ने तुम लोगों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अपना प्रयोग कामयाब हुआ यह देखने के लिए आदिनाथ जिंदा न रहे। खैर, जो उसे मंजूर। सरकार ने तुम लोगों की सजाएं माफ कर दी हैं। अब तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। बाबूजी की आंखें उस खिड़की में से हम लोगों पर नजर रखती थी। आज वही आंखें आसमान पर चढ़ी हैं।
आपको बाबूजी की आंखें दिखाई नहीं देती? देखो, वो देखो कितनी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हम नहीं जाएंगे अपने यहीं रहेंगे और बाबूजी का यह आजाद नगर हमेशा आबाद रखेंगे।